अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे जी। आज हम बना रहे हैं, ये मैंगो आए हुए हैं बाज़ार में बहुत ही ज़बरदस्त से, बस आज मैंगो की रेसिपी बनाएंगे। यहाँ पे मेरे पास है 700 ग्राम आम और 500 ग्राम मैंने चीनी ली है। सबसे पहले हम चीनी को डालेंगे इसमें कढ़ाई में, डाल देंगे चीनी और इसमें डाल देंगे एक कप पानी, तकरीबन थोड़ा सा और डाल देंगे, डेढ़ कप के बराबर। चूल्हा जला देंगे और शुरू करते हैं, आम को काटना शुरू कर लेते हैं। तो हम कटिंग कर लेंगे और इसकी बनाएंगे प्यूरी, ठीक है? सारे आम मैं काट लूँगी और फिर मैं दिखाऊंगी कि आगे हमें क्या करना है। अच्छा जी, आम मैंने काट लिए हैं और इसको डाल देंगे अब जूसर इसमें जग में, और इसको हम ग्राइंड करेंगे, इसकी पेस्ट बना लेंगे। थोड़ा सा पानी डाल दिए, डाल देंगे इसको, छान लेंगे ताकि इसमें वो होते हैं ना आम का कोई रेशा वगैरह ना हो। इसमें थोड़ा सा पानी डालूंगी मैं, थोड़ा सा पानी डाल दिया है इसमें, और इसको अच्छी तरह हम छान लेंगे। अगर आप ये एक बार बना के रख लेंगे ना, तो ये फ्रिज में आप इसको 2-3 महीने के लिए सेव कर सकते हैं। और बस मैं तो कहती हूँ कि लाइफ जो है वो बहुत ही आसान हो जाएगी जब हम ये बना के रख लेते हैं। तो बस कोई मेहमान आए, फौरन निकालो, इतना बेहतरीन आम का शरबत बनकर रेडी है। अच्छा, ये देख सकते हैं आप, इसको मैंने अच्छी तरह छान लिया और ये हमारा इतना ज़बरदस्त था, देखें पल्प बनकर ये रेडी हो गया। ये जो हमने चाशनी, तकरीबन 7 से 8 मिनट हो गए इसको पकते हुए, तो बस इसमें इसको डालेंगे और इसको पकाएंगे थोड़ी देर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तकरीबन इसको हम 6-7 मिनट अच्छी तरह पकाएंगे तेज आंच में। यहाँ पे हम डाल देंगे इसमें एक नींबू का रस, थोड़ा खट्टा मीठा अच्छा लगेगा ना। अच्छा जी, ये देखें आप, तकरीबन 10 मिनट हो गए मैंने तेज आंच पे इसको पकाया था, और ये देखें थिकनेस इसकी, ये माशाल्लाह से गाढ़ा हो गया, ये देखें। तो बस अब चूल्हा में बंद कर दूंगी इसको। आप इस तरह चेक कर सकते हैं, इस तरह करके ये देखें, एक तार जो भी इसकी बनती है। ये चूल्हा बंद कर देंगे और इसको हम ठंडे पानी में रखेंगे, पतीली में पानी डाल के मैं उसमें इसको रख दूंगी ताकि ये जल्दी से ठंडा हो जाए, और चम्मच हम इस तरह चलाते रहेंगे, इसको ढककर ठंडा नहीं करना, इसी तरह हम इसको ठंडा करेंगे। अच्छा देखिए, मैंने इसको तकरीबन 5 से 6 मिनट ये परात में पानी डाल के 4-5 बार मैंने पानी चेंज किया है इसका, ठंडा पानी डाला है और ये बिल्कुल अब ठंडा हो गया है, ठीक है? तो इसको मैं निकाल लूँगी। ठंडा होने के बाद कितनी ज़बरदस्त ये मैंगो प्यूरी बनकर रेडी है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको डाल देंगे इसमें, ये साफ सुथरी खुश बोतल है, इसमें डाल के इसको हम रख देंगे फ्रिज में, और 2 महीने भी ये रखी रहे ख़राब नहीं होगी इंशाल्लाह। बस लाइफ तो हो गई है आसान, कोई मेहमान आए आप फौरन से इसको निकाल के बना सकते हैं मैंगो जूस, और वो भी बहुत ही मज़े का। और इसमें तकरीबन 1 स्पून ये मैंगो प्यूरी के ऐड कर देंगे। थोड़ा सा पानी डाल देंगे इसमें, चम्मच से करेंगे इसको मिक्स, और ये इतना ज़बरदस्त बने हैं मैंगो का शरबत, बहुत ही मज़े का, बहुत ही ज़बरदस्त
गर्मियों में आप बनाकर पिएं, अपने बच्चों को भी पिलाएं, मेहमानों को पिलाएं। तो ये है जी हमारे मैंगो जूस की फाइनल लुक। ये मैंगो प्यूरी इसमें हमने डाल के रख दी है, 2 महीने ये फ्रिज में रखी रहे, ख़राब नहीं होगी। और ये इतना मज़े का बना है, आप ज़रूर बनाएं और हमें बताना फिर कि आपकी रेसिपी ये कैसी बनी है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर करना ना भूलें। इसी के साथ इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।